कोई भी आ जा, कोई भी आ जा, कोई भी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। मदीने में आखिरी नमाज है वो भी फजर की, फटाफट बंद हो फटाफट। और सुबह सुबह की हमारी है भाई फ्लाइट पाकिस्तान की, कराची की। आज मैं अपने बेबी को लाइव देखूंगा और मिलूंगा, हग करूंगा, प्यार करूंगा और सबसे मिलूंगा। जब आज के दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फटाफट से पहले नमाज पढ़ते फजर की, और मम्मा लोग ऊपर रेडी शेडी हो चुके होंगे, और फिर सारा बैग वैग उतार के लेके जाना होगा। तो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। जल्दी 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 भागो 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 भागो। एक काम हो रही है भाईजान, फटाफट से बस सफ मिल जाए, नमाज कंप्लीट। आपके भाई ने होटल वाली चप्पल वहीं छोड़ दी है, आपका भाई जा रहा है पैदल यहाँ से लेकर होटल तक। इस टाइम इतना ठंडा ठंडा फ्रेश हो रहा है माशाल्लाह, मदीने में भी ठंड आ गई है हल्की हल्की। लास्ट बार खोल लो गेट। ओ अरे रेडी 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 रेडी, सब कुछ रेडी है, सामान शमान कुछ। अरे अच्छा मैं आपको प्लान बता चलूं कि हमने ना 3 बैग बनाए, मतलब मैं चाह रहा हूं कि सारे ना हैंड कैरी रहे, कोई भी ऐसा ना हो कि भाई एयरपोर्ट वाले बोलें कि भाई इसको लगेज में डाल दो। फिर पता है इससे क्या होगा, इससे जो हम पाकिस्तान पहुंच रहे होंगे ना जल्दी, वो हम लेट हो जाएंगे 1 या 2 घंटा, क्योंकि लगेज के लिए खड़ा होना पड़ता है। पिछली बार देखा था ना आपने, पापा मैं बैठे रहे मतलब 2 घंटे बाद हमारा सामान आया था। बस यही उम्मीद है कि भाई एक फरिया का बना दिया हमने, एक मेरा हो गया, एक मम्मा का हो गया, और ये मैं टांग लूंगा भाई पीछे, क्योंकि इसमें पासपोर्ट वगैरह है, वो सामान है ना। तो चले चले चले, चलो 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 चलो, अरे बैग का खास ख्याल रखे। इस वक्त एयरपोर्ट हम जा रहे हैं भाई GMC के अंदर। इस गाड़ी में स्पेस ही स्पेस है भाई, वो आसमान वाला नहीं, ये जगह वाला। माशाल्लाह सुबह के मनाजिर हैं भाई, फजर के बाद के हल्की हल्की सी सुबह हो रही है मदीने में, और हमारा निकलने का टाइम है, और हमने सलाम भी पेश कर लिया था रात के टाइम, और अभी सुकून से जा रहे हैं। क्यों भाई मजा आया मदीने में? मुझे बहुत आया, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब हम लोग कंफ्यूज हो गए थे सिचुएशन से रिलेटेड, फिर बाद में जब हमें खुशी मिली तो फिर जो मजा आया, फिर वो बता नहीं सकता, वो जो सुकून था ना, आए हाय हाय। तो उसी सुकून के साथ अभी बरकरार हम जा रहे हैं पाकिस्तान। ये ला हाजी पहुंच गए जनाब एयरपोर्ट। इस बार सफर इनके साथ हमारा बहुत अच्छा रहा, और बहुत ज्यादा घूमे, बहुत ज्यादा खिदमत की है भाईजान ने, थैंक यू भाई। खुल जा सिम सिम। पाकिस्तान की एयरलाइन का भाई काउंटर कहाँ पर है, काउंटर कहाँ पर है, इधर 3-4 काउंटर है, अभी देखना पड़ेगा इधर कि पाकिस्तान का काउंटर कौन सा है। कराची F09 पाकिस्तानी काउंटर F पे। इस वक्त टाइम 7:11 हो रहे और हमारी फ्लाइट है 9:50 पे। रश देख सकते हैं आप भाई, कितना है कितना है कितना है। अब देखना ये है कि हमारी बोर्डिंग कितने बजे होती है। 8:15 पे बोर्डिंग हमारी कंप्लीट और इमिग्रेशन भी कंप्लीट भाई, सब काम करके फिनिश होके हम मिले भाई यहाँ पर, अब उड़ने के लिए डायरेक्ट। कुछ खाएंगे? देखो हम कितने सारे हैंड कैरी अपने साथ अंदर लिया है। अगर हमारी नॉर्मल सीट होती ना तो वो हमें रोक लिया था उसने, उसने बोला कि भाई इतने सारे बैग लेकर कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला एग्जीक्यूटिव है भाई हमारी, जाने दो। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है बिजनेस क्लास ओके। 1, 2, 3, 4, 5 बैग, 5 बैग। बस मैंने देखा कोई बस ये लेता और ये लेता था। हाँ तो छोड़ते नहीं है ना वो। जब ही बिजनेस क्लास ले ली हमने तो हम बच गए ना। अभी हमारी बड़ी लंबी खुआरी होने वाली थी भाई, ये मैं 8:15 दिखा रहा हूँ ना आपको, ये मैं आपको 9:15 दिखाता। थोड़ा सा मदीने के एयरपोर्ट घूम रहे हैं, क्या पता कि भाई नाश्ते करने के लिए कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी मिल जाए। तो अगर मैकडोनल्ड्स मिल गया तो मैकडोनल्ड्स भी खा लेंगे, वहाँ पर मैकडोनल्ड्स नहीं है वो बर्गर किंग है वहाँ पर। आगे चलो ना आगे, जब तक मदीने का एयरपोर्ट भी देख लोगे। छोटे छोटे बच्चों की चीजें भी पड़ी है यहाँ पर, तो लेकिन सब पाकिस्तान में मिल जाता है ये सारा, तो मैं पाकिस्तान से लूंगा, वरना जब बेबी सब आएंगे तो वो तो भाई सब उठा के लेके जाएंगे यहाँ से, मुझे तो इतना पता है। आगे कुछ मिला ही नहीं तो बर्गर किंग पे वापसी आना पड़ा। 1 Whopper 1 Chicken Filled Burger Order number 8 ये लो, ये है आपके भाई का भाई वूपर, बहुत ही लग्जरियस। और फरिया खाती नहीं है बीफ, तो फरिया ने चिकन ही मंगाया। मम आप खाओगे मेरे साथ दादा? फ्राइज ये नहीं खा रही? नहीं मैं ये नहीं खा। अगर खाना तो बता दो। नहीं नहीं मैं फ्राइज खाऊंगी। क्यों नहीं खाना? अभी ऐसे भूख नहीं लगी। अच्छा जहाज में खाना है? हाँ। हम रियाल बचा रही है अपने। मैं बोलता हूँ मम ये खा लो वो खा लो, मम बोलती है नहीं 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 नहीं। अब मैं क्या करूँ भाई, मैं बोलता हूँ अभी इसमें से मम को जाके फिर भी दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ी खा पाऊंगा इतना बड़ा। फटाफट से खाते हैं अपना नाश्ता। आधा बर्गर मैंने मम को दे दिया। जहाज तो हमारा आ गया लेकिन फिर भी 1 घंटा रहता है। फाइनली भाई सीट मिल गई है, आज तो हमें तकिया भी मिला है भाई, तकिया भी के तुम लोग ही मिलूं। पीछे रखो। हाँ तो अब है बस मैं लेटता हूँ। बैग जो हमने ऊपर रख दिया भाई, और विंडो सीट मिल चुकी है मुझे,
तो उस दिन था वो दूसरा टाइप था और जो आज है वो दूसरा है। आई थिंक ये भी ओए हाँ ये भी लेटने वाला है भाई। जिसमें हम आए थे ना उसमें टीवी नहीं था, इसमें जो है भाई वो टीवी भी है। इसमें चलिए नाथ इंस्ट्रक्शन वो निकलता हूँ खाने का। हाँ सबसे पहले भाई आपके लगाते सीट बेल्ट, जहाज 10-15 फ्लाई कर जाएगा और बेबी से मिलने के लिए टाइम सिर्फ बचा है 4 घंटे। 4 घंटे बाद आपका भाई अपने बेबी के पास होगा। कोल्ड ड्रिंक पहले जा रहे भाई, कितनी कोल्ड ड्रिंक पीनी है अभी? अभी तो खाते पीते पी थी तो भाई कोल्ड ड्रिंक तो आती है ना तो पीना चाहिए। चलो पी लो पी लो पी लो, मुफ्त में आ रही है। आपने पी ली? अबे भाई तो छुपाना था पागल। ओ भाई ओ भाई पाकिस्तानी मेरान उड़ गई। उई 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 पाकिस्तानी मेरान। पूरे 4 घंटे सोते हुए गुजरे, पता ही नहीं लगा भाई कि कितने घंटे में पहुंच गए। ऐसा लग रहा है 5 मिनट में पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह कराची लैंडेड। पप्पू एंड पापा एंड दैट कुछ ही लम्हों में मिलने वाले हैं। यार अभी मुझे ऐसा लग रहा है, दिल की बात बताऊं आपको, कि मैं पूरे 1 साल बाद आया हूँ या कुछ महीनों बाद आया हूँ। मुझे वो फील नहीं आ रहा कि मैं अभी 7 दिन के लिए गया था और 7 दिन में वापसी आ गया हूँ। मतलब इतने लॉन्ग टर्म लग रहा है मुझे इस टाइम पे, पता नहीं क्या फील है। पहली बार हुआ ऐसा, बस मैं जल्दी जल्दी आने की पड़ी थी बस ना मुझे कि मैं यार बस जल्दी से आ जाऊँ जल्दी से आ जाऊँ। अरे आपके भाई ने काम अच्छा किया ही नहीं किया? क्या ये बैग वाला, ये बड़ा अच्छा काम है यार। ना ना? हम जाते हैं 20 मिनट में बैग आते अबे एक घंटा। हाँ यार मुझे बड़ी मतलब दाद दे रही थी इस चीज़ पे कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया मास भाई कि आपने लगेज नहीं कराया, हैंड कैरी किया। मैंने बोला हाँ अब आया समझ, मतलब हैंड कैरी बेस्ट है यार। थैंक यू। उनसे गुजारिश है कि अपना सामान बेल्ट नंबर 3 से हासिल कर ले, शुक्रिया। कौन सामान हासिल कर ले फरिया? पता नहीं पता नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। नहीं हमें सामान नहीं चाहिए अपना, हम बस डायरेक्ट बाहर जा रहे हैं कि हमारी इमिग्रेशन भी हो गई है। और बाकी पीछे देखो कितना रश लगा हुआ है, हमें सब काम जल्दी जल्दी कर लिया, सब काम बस इतनी तेज़ी जल्दी में खुशी में सब जल्दी जल्दी हो रहा है बस अभी। और देखते हैं अभी बाहर हमें कौन लेने आया है। दूसरे लोग जो होंगे ना वो यहाँ रुकेंगे और हम लोग डायरेक्ट जाएंगे बाहर। भाई साहब रश तो चेक करो कितना है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कोई सेलिब्रिटी का फंक्शन है। ये रश किस चीज़ के लिए लगाया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, दो दो मुबारक हो। हाय 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 पापा आए भाई लेने। कैसे हो माशाल्लाह भाई, क्या कराची में मौसम है भाई। सब्सक्राइबर मिल गए तो वो सही मुबारकबाद नहीं दिए। कैसे ठीक है? हाँ सही मजा आ रहा है। हाँ पापा की रिएक्शन तो वो दूसरे तो उस टाइम पे। अभी कैसे 2-3 दिन हो गए ना, जबरदस्त है। अभी से यार, अभी से यार मिठाई गाय भाई, मिठाई अभी मिठाई भी खाएंगे। अच्छा मिठाई भी लाए साथ? दादी बनी हो आप? अभी सिर्फ उम्र का पता नहीं अभी क्या क्या होगा भाई। अभी तो कितने सारे दोस्त हैं, कितने सारे रिश्तेदार हैं, मतलब व्लॉग्स आने वाले अच्छे ही अच्छे अच्छे। तो अभी से इस व्लॉग पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो जब तक मैं बेबी से नहीं मिला। तो लाइक मस्ट, कमेंट मस्ट, शेयर मस्ट और सब्सक्राइब मस्ट। मिठाई भी आई है भाई, मिठाई भी आई है। काजू कतली है भाई, ये पीछे रख लो, बाकी सारा सामान पीछे रख लिया। ओए माय पुजू पुजू, मैं अपनी पुजू को हर जगह मिस करता हूँ। ये बहुत कम चलती है, सिर्फ टर्की में ज्यादा चलती है ये। मुझे फील ऐसा आ रहा है कि मैं साल बाद आ रहा हूँ कि मुझे बस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, ऐसा हुआ है। खुशी ऐसी है ना, खुशी मतलब कि ऐसा हुआ अल्लाह ने बोला कि भाई तुमने कि जो दुआएं मांगी थी वो सारी कबूल कर ली मैंने, अब तुम खुशी से घर जाओ। मैं फिर वापसी में तुम्हें बुला लूंगा, लेकिन अभी तुम खुशी होके जाओ। अभी हम जल्दी जल्दी में आ गए, वरना तो आपको पता है वहां से आने के भी किसका दिल करता है। तो बेबी की खुशी ही इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी मेरे लिए, तो जल्दी से आना पड़ा और सबको सरप्राइज देना पड़ा। सो अब थोड़ा सा सफर है घर का, थोड़ा सा अभी भी 5 मिनट है, उसके बाद फिर मिलेंगे डायरेक्ट बेबी से और सबा से। ऊपर आ जाएंगे, आप ऊपर जाओ। खातिरदारी हो रही है, रास्ता भी गुजर गया, अब सीढ़ियां रह गई, सीढ़ियां। बोलो गेट, जल्दी मैं आ रहा हूँ, खोलो गेट, खुला छोड़ नहीं दिया आज, वरना मैं डायरेक्ट अंदर घुस जाता। बोलो अब नहीं खोलूंगा, अब नहीं खोलूंगा।
अबे पापा आगे जल्दी घूम बेटा जल्दी घूम देखो मोबाइल ले लेते हैं अभी 1 लाख रुपए ले ले इसे वो मजे ले ट्रीट इसको बोले पहले ट्रीट दो ट्रीट अबे भाई दो बैठ जा चल अबे चाचा बोलो है तू पे अस्सलाम वालेकुम दादी कैसी दादी ठीक है पहले दादी के सबसे पहले दादी मिली भाई दादी कैसी ठीक ठाक दादी की बात भी सच हुई थी दादी ने बोला था ना कि बेटा होगा आ जाइए अब बेटा है रूम में आ जाओ अंदर बोलिए ने पक्का 1 2 3 छोटो सा ये तो बच्चे छोटे ही होते हैं अरे गोद में उठाओ गोद में छोटा सा कुछ कैमरे में मुझे बड़ा लग रहा था पिक्चर आई थी मेरे पास बहुत बड़ा लग रहा था कैमरे में अभी कमजोर है ना हो जाएगा इंशाल्लाह आगे बढ़े इंशाल्लाह आगे सेहतमंद होगा अपनी बता अपने दो हफ्ते के बाद ही देखेगा दादी वैसे अपनी डेट से पहले भी तो आया ना ये इसलिए कमजोर भी है लेकिन ये अच्छी बात है कि दादा ने इसको पूरा किया है बस ये अच्छी बात है इसको कोई मशीन में नहीं गया ये माशाल्लाह जो तो दुआएं की थी कि इसको पूरा लेकर आए कोई तकलीफ ना हो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब बेस्ट हुआ है इस बात से खुशी हुई बस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब उसको लिटा दो फिर उसको लेते रहना हाँ मैं तो उसको पूरा गाल पे प्यार कर रहा था नाराज है कि मैं नहीं था तो अभी तक नाराज ही है इसको बोलो ट्रीट दूंगा ट्रीट दूंगा मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट भी लाया हूँ सबको ट्रीट दे गिफ्ट लाया हूँ ट्रीट दूंगा गिफ्ट याद है वो 5 महीने पुरानी वाली बाइस नोट गिफ्ट सबक दर्द हो रहा है तो मना लेंगे भाई यार कल के ब्लॉग में देख लेगा आज अगर नहीं माना तो कल तो लाजमी नहीं नहीं आप देखते रहिएगा बस देखते रहिएगा भाई हम सऊदीया से आए ना तो इसको रियाली देंगे करवा सकती मैं पाकिस्तानी पैसे दे चेंज करवा नहीं नहीं हम वहाँ से आए हैं अल्लाह की तरफ से इनाम है इसका चलो दे दो मम्मा दे दो अल्लाह की तरफ से ही है इसको दिए भाई 500 रियाल माशाल्लाह इसकी मिठाई बटी थी वहाँ और ये वहीं से इसका गिफ्ट भी आया है फुप्पो भी प्यार कर रही है फुप्पो कैसा है हाँ नन्ना सा है किस तरह प्यार हो रहा है चले भाई मिल लिया मैं अपने बेबी से जिसकी मतलब शिद्दत से मतलब चाहती ना मिलने की हो गया मिल गया मैं भाई मिल गया और आप सबको भी खुशी हुई होगी क्योंकि आप सब भी चाहते थे कि मैं कब घर जाऊंगा और कब मिलूंगा अपनी बेबी से मदीने से गिफ्ट मिले थे बिस्किट और पापा को बड़े ही मस्त लगे भाई ये बिस्किट और पापा फिर दादी को खिला रहे हैं दादी कैसे दादी बोली मिठाई बनवा ली वही बना किस चीज़ की की हाँ मैंने तो मदीने में बाटी है दादी ऐसे ऐसे बटी ऐसे जितना लेके जाओ कम है तुम ना पूरी अगर दुकान में ले जाते ना वही पता नहीं लगता नहीं पता लगता बेबी जो है वो अभी तक सो ही रहा है भाई तो अभी तक वो उठा ही नहीं मैं यहाँ पर आ गया अभी उठेगा तो फिर जाके उसे थोड़ा बहुत मिलते हैं और आप लोग 12 बोल लो फेस रिवील कब करोगे तो फेस रिवील जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो अभी ना काफ़ी छोटा है काफ़ी क्योंकि वो अपने टाइम से पहले आ गया तो वो काफ़ी छोटा है जब वो अपने टाइम तक पहुँच जाएगा ना जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा हेल्दी वगैरह हो जाएगा काफ़ी फिर रिवील करेंगे उससे पहले नहीं चाय पीते हैं और फ्रेश होते हैं भाई भाई जो आपका भाई वो सोया बहुत कम है मतलब जहाज में सोया हूँ उसके अलावा सोया ही नहीं क्योंकि सुबह थी फ्लाइट 2 घंटे सोया हूँ भाई पूरे दिन अभी चाय ना गिर जाए भाई मेरे कपड़ों पे भाई उस दिन तो कल कैसे गिरी थी ना मजा आ गया था ओ भाई अभी शुक्र नजर नहीं लग रही वरना तो ये भी गिर जाएगी नानी भाई यहाँ खड़ी हुई थी इससे पूछो भाई सारा हाँ तो नानी बोली है बच्चे को गुट्टी किसने दिए तुमसे पूछ रही थी हाँ, नानी बोली हाँ। नानी समझ रही है कि दादी ने दी कि दादी बैठी है हाँ, दादी तो भी दी मैंने बोला नहीं दादी ने दी पापा ने दी तो नानी बोली अल्लाह कर दादी से आपको आपने किस किस को गुट्टी दी है हम लोगों में से हम सबको खाता है अच्छा मुझे गुट्टी आपने नहीं है अरे वाह भाई भी नानी समझी होंगी कि इसको भी दादी ने दी होगी जब पता लगा पापा ने दी है तो हाय अल्लाह पापा ने भी यहाँ पे मिठाई मंगाई है भाई बहुत सारी सबको बांटने के लिए पूरी बिल्डिंग में नीचे चौकीदारों को सामने बिल्डिंग में इधर बिल्डिंग में उधर बिल्डिंग में पापा बोले चलिए दो देख तो ना मिठाई कैसी है भाई ओ
मजे के एक एक बॉक्स सबको देंगे अपने अपनी पसंद की बनवा ली ना लेकिन ये अच्छी लग रही है लेकिन सब खा जाएंगे लोगों को क्या मिठाई मीठी होनी चाहिए बस चीनी खिला दो हाँ ये भी सही बोला हाँ तुम चीनी बांट लेना कौन है अरे बाहर अब खेलना शुरू हुआ से वेट कर चलो 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 बेबी कैसा है भाई बेबी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह मतलब ठीक है अभी रो तो नहीं रहा नहीं अच्छा बेबी गोद में है भाई फिलहाल और बेबी अभी आंखें खोली हुई है सुबह से तो सो रहा था जब से मैं आया था अभी अभी आंखें खोली हैं और यूं यूं कर रहा है बस टाइम भी 8:10 हो चुके हैं कड़े हमने निकाल लिए हैं भाई जैसी सबा बेबी को खिला पिला लेगी उसके बाद फिर हम ये सबा को देंगे पापा भैया को बता रहे हैं कि मिठाई कहाँ कहाँ बांटनी है सारे इतने मसरूफ हो गए जब से बेबी आया है मतलब काम 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 कौन दावत देने आया है मुबारक हो मुबारक हो डबल कौन कौन सी मुबारक हो एक और अरे भाईजान ताजोर स्पेशल मुबारकबाद देने आया भाई बिल्कुल सर देखा मेरा बेबी देखा नहीं देखा नहीं तो देखो क्या ना देखे हुए चलो मैं दिखाऊंगा आपको मैं आपको अभी मेरे को पता चला बस भाई पहुंचा थैंक यू खाने का टाइम हो चुका है तो खाने में है भाई पुलाव हम सिर्फ चावल ही चावल खा रहे हैं भाई ये 5-6 दिन से वहाँ मंदी तो होती है सिर्फ अबे घर में भी समझ चावल ही बना दिया रोटी बनानी चाहिए थी ना फिर अबे कल बनेगा चल ठीक है तू बनाएगा तो बता नहीं मैं कौन बनाऊंगा अबे बना लियो यार तू कभी शेफ पे भी बन जाएगा भाई मॉम टाइम टू गिफ्ट जा रहा हूँ भाई अकेला ही सबा के पास और उसको देते हैं भाई ये गिफ्ट अबे दोनों चाचा और ताया खेल रहे हैं बेबी के साथ जनाब 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 देख ले गिफ्ट गिफ्ट देखें भाई गिफ्ट अब तो सभा की बस जगह यही है परमानेंट जगह है परमानेंट खोलो जल्दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम से यस हाय कैसा है बहुत प्यारे माशाल्लाह देखो आ रहा है हाथ पे आपके मगर साइज के लिए कराया हूं आपके अब मेरा हाथ वो वाला नहीं रहा पक्का नहीं यार नहीं एक करके पहनो एक पहनो वाकई नहीं आ रहे नहीं मैं हाथ देखे कितने सूज रहे ही देखे ओ भाई साहब हाथ ही हाथ लग रहे हैं ये देखो ना ये देखो okay. कलाई के सास के बिल्कुल वेलकम हो गया वादा पूरा मेरा अब तो ये मत बोलोगी ना कि यार जो मैं बोलती हूँ या जो मास वादा करता है वो कभी नहीं तोड़ता नहीं अभी और 3-4 बॉयज करूंगी आपको बस अब ये लूटने वाली बात हो गई तो भाई इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं उम्मीद आपको लोग पसंद आया होगा अभी बस आपका भाई ना थोड़े से सिंपली वाली व्लॉग बना रहे हैं सिंपलिसिटी समझते हो ना मतलब के सादे सादे से मतलब अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से तो इस व्लॉग को एंजॉय कर दिया होगा आपने और लाइक कर दें कमेंट कर दें शेयर कर सब्सक्राइब कर दें मतलब घूमने फिरने वाले भी व्लॉग आएंगे भाई जो हम घूमने फिरने जाएंगे लेकिन अभी थोड़ा सा बेबी है ना तो बेबी के साथ आपका भाई थोड़ा लाइफ स्पेंड करेगा अपनी कुछ दिन और कुछ मतलब सुकून सुकून से व्लॉग बनाएगा ताकि बेबी जो सो रहा होगा वो उठ ना जाए या बेबी तंग कर रहा होगा तो मैं उसके साथ होऊंगा व्लॉग नहीं बना पाऊंगा इस तरह भी होगा ना तो बस अब आपका भाई यार एक समझ जाओ बाप बन गया तो फिर समझ जाओ यार अभी मेरा भी बच्चा हो गया मैं भी बच्चा मेरा भी बच्चा समझो तो बस लाइक ठोको ऐसे की वॉइस हमने मजाक में की थी मजाक में की थी वॉइस मुझे मैं सीरियस थोड़ी थी वाह सारी कस्में दी थी मुझे के बेबी के अभी से आप झूठ बोलते हो ये बोलते हो तो मैं तो सच समझा ना भाई तो बस अब ले लो ना गिफ्ट बस यार वेलकम सो हाँ भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ठोको तोड़ो फोड़ो और बेबी उड़ जाएगा बाय